पीएम मोदी ने शिमला पहुंचकर सीएम जयराम की पीठ थपथपाई और संकेत दे दिया कि अगला चुनाव जयराम के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। वहीं पीएम ने उन कयासों पर भी लगाम लगा दिया जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी सीएम फेस बदल सकती है और किसी और को आगे कर सकती है। अंदर खाने तो चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर को लेकर भी चल रही थी, मगर पीएम ने शिमला आकर और सीएम जयराम की तारीफ कर बता दिया कि बीजेपी आलाकमान का भरोसा सीएम जयराम ठाकुर पर बना हुआ है। मगर सवाल इस बात का है कि हिमाचल के लोग जयराम सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। जब सीएम जयराम को लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे और पूछा कि क्या सीएम जयराम प्रदेश के भरोसे पर खरा उतरे हैं या फिर कमी रह गई है, तो कुछ ने तो सीएम के डिसीजन मेकिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये भी बहुत ही मतलब सिंपल घर से हैं जयराम ठाकुर जी, बहुत ही सिंपल है और साफ सुथरे, मतलब इनके कोई रिकॉर्ड नहीं है, गलत रिकॉर्ड नहीं है, मगर ना ये सही डिसीजन ले पाते अपना। ये डिसीजन कोई भी डिसीजन का अपना नहीं होता है। सीएम है, सीएम का एक लेवल होता है कि मैंने ये कर दिया तो कर दिया, मगर इनका जो जो मतलब इनका जो डिसीजन होगा, जो सेंटर से डिसीजन होगा वो ये अपना है। इससे अच्छा डीसी था, एक सीएम अपना डिसीजन ले सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये कि सीएम ऐसा होना चाहिए कि एक डिसीजन उनका होना चाहिए, यानी कि मैं कर दिया तो कर दिया और सही डिसीजन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए सीएम में भी, वो जुनून कुछ खास नहीं दिखा। सीएम चेंज होना चाहिए, सीएम तो नहीं दम नहीं है। चलो अच्छी बात है सीएम थे बन गए, ये अच्छी बात है और बनना चाहिए, पोस्ट मिली है, मगर ना जो डिसीजन वाली बात होती है, अगर किसी को एक पावर दी जाती है उस पावर का इस्तेमाल नहीं मतलब सही तरीके से। वे स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव में उसी पार्टी को वोट देंगे जो महंगाई को कम करेगी और बेरोजगारी को दूर करेगी। पब्लिक डबल माइंड हो चुकी है और बिना नौकरी के युवा परेशान है। इस टाइम महंगाई का जो है दौर चला हुआ है बहुत ज्यादा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, गरीब बहुत बुरी तरह हाल है गरीब का। अगर आप फ्री दे रहे हो, राशन फ्री दे रहे हो, 5 किलो राशन गेहूं फ्री दे रहे हो, कोई फायदा नहीं उससे। अगर आप महंगाई को अगर सही लेवल में लाए तो हो सकता है कि अच्छी पार्टी जो है वो जीत सके। वहीं कुछ लोगों ने फ्री की राजनीति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि लोगों को फ्री ना दे, लोगों को काम दे। उनका कहना है कि जो सरकार काम देगी उसको ही वोट दिए जाएंगे। यार जेडी कुछ करके दूंगी वही जावांगे, देखदे हैं उन केड़ी आंदी केड़ी नहीं। तमी केड़ी जंदे तुसी जंदे फिलहाल तो बीजेपी ठीक है जी, बाकी देखदे हैं उन अगे क्या, कोई है ही नहीं किसी दा, कोई भी सब कोई फ्री करी जांदे, फ्री करने नाल ओदा बंदा कोई चीज दा रेट घटावे फ्री ना करे। लोगों नु सरकारां फ्री कर करके यानी कि कम तो वेले बिठाने वाला कम है जी, बंदा अपना कोई भी आइटम है उसका रेट घटा दे जी, फ्री ना करे। फ्री करने नाल जो बेलड़ है होर बेलड़ हो जाते जी, अगला कहता फ्री मिली जाता सानू की लोड़ है कमाने की। अब चुनाव नजदीक हैं और पीएम मोदी का भरोसा सीएम जयराम ठाकुर पे बना हुआ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीएम जयराम का चेहरा बीजेपी को हिमाचल में जीत दिला पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।